अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन मानो व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। पहले जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया वो प्लीज़ कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करे ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जी आज हमने की अपने पूरे घर की सफाई, सारा घर हम लोगों ने साफ़ किया और अब हम कर रहे हैं धूप इंजॉय। गाइज, हमारी गई हुई है लाइट। इस टाइम दुआ करें कि हमारी लाइट जल्दी आ जाए, क्योंकि हमें सुनने को मिला है कि लाइट 4 बजे आएगी, तो आप दुआ करें कि हमारी लाइट जल्दी आ जाए। ये देखिए जी, मैं कर चुकी हूँ घर की सफाई, हो गया मेरी नमाज का टाइम, अब मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। आप लोग भी नमाज़ पढ़ें, दुआ में याद रखें। मैंने पढ़ ली है इस टाइम नमाज़, शुक्र है अल्लाह का जिसने भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी है। आप लोग भी नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से दुआ में मांगें, अल्लाह हर एक की ख्वाहिश पूरी करता है। हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे बाजार कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, तो आपको वो भी आके दिखाते हैं। ये देखिए जी, हम लोग सेब लेने के लिए, कितना खूबसूरत सेब लगा हुआ है। हम खरीद रहे हैं माल्टे, अच्छे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा देखने में। हम आ चुके हैं अपने घर सारा कुछ लेकर। देखिए जी, मैं बनाने लगी हूँ टिंडे। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सब कुछ एक साथ डाल देती हूँ। आप लोग मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए जी, मेरे टिंडों में मैंने डाला है एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 टमाटर, 2 सबस मिर्च साबुत रखी हैं, और नमक मैंने हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च की 1 चम्मच, और गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया। कुछ लोग बुनाई करके बनाते हैं टिंडों को अलग से मसाला बनाकर, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। झटपट की हांडी है कि जल्दी बन जाती है। ये देखिए जी, फाइनल मेरी हांडी की लुक। आप मिट्टी की हांडी में बनाया करें, एक तो इसमें हांडी बहुत अच्छी बनती है और इसकी खुशबू जायका बहुत अच्छा आता है। मैं गूँने लगी हूँ आटा, और कौन कौन अपने घर में आटा गूँता है वो भी सारे मुझे बताएं जी। ये देखिए जी, मैंने गूँ लिया आटा, और शुक्र अल्लाह का आटे से फ़ारक हो गया, हम हांडी बना। इस टाइम मैं जा रही हूँ नीचे रोटी बनाने के लिए। अब हुआ खाना खाने का टाइम, अब हम आए हैं रोटी बनाने। कि जी, मैं बनाने लगी हूँ इस टाइम पे रोटी मज़े से। और आप लोग जी बताएं, आप लोगों ने आज दिन को खाने में क्या बनाया। ये देखें जी, हमारे मोहल्ले से मिठाई आई है, हमारे मोहल्ले में हुए बच्ची का हकीका, और ये मिठाई उन्होंने भेजी है। ये देखें जी गाइस, इस टाइम मैं जा रही हूँ अपनी दोस्तों के साथ चीज़ें कुछ लेने के लिए। उन्होंने लेनी है तो मैंने कहा चलो मैं साथ चलती हूँ, तो अब आपको साथ साथ हम चीज़ें दिखाते हैं अपनी कि हम क्या लेने जा रहे हैं। देखिए जी, गली में कितना अंधेरा है, और हम लोग जा रहे हैं 3 लड़कियाँ, और यहाँ पे कोई बंदे की जात नहीं। ये देखिए जी, हम आए हैं शौरमे की दुकान पर शौरमा लेने के लिए, ठीक है। और वो भाई साहब हम शौरमा तैयार करवाने लगे हैं। ये देखिए जी, हमने इस लड़की को पैसे जमा करवाए जो हमारे से खींच खींच के ले रही है, और इसे शौरमे वाले को देने हैं। देखिए जी, इस टाइम हम शौरमा ले चुके हैं, इस लड़की ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने ले चुके हैं शौरमा ले चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, ठीक है। देखिए जी, एक ये लड़की जा रही है हमारे आगे आगे बिल्कुल, और हम इसके पीछे पीछे हैं, और ये अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये लड़की ऐसी है कि घर का भी वेट नहीं कर रही है, रास्ते भी वो देखे शोरमा खा रही है, वो देखे रैपर फेंक रही है यार, वो देखे वो लड़की इतनी भूखी है कि शोरमा ही यहीं खाती भी जा रही है, हम लोगों को पूछ भी नहीं रही है, ऐसे भी लोग होते हैं। ये देखिए जी, हम खाने लगे हैं शोरमा, मैं भी खाने लगी हूँ और मुकद्दस भी खाने लगी है, हम दोनों खाने लगे हैं शोरमा। जिसने खाना है खुद मंगवा के खा लो। देखिए जी, शोरमा हम लोगों ने टेस्ट किया है, पर शोरमा बिल्कुल भी मज़े का नहीं है, बहुत गंदा। बताएं जी मुकद्दस, शोरमा अच्छा था? नहीं, बहुत गंदा शोरमा हमें मिला है। देखिए जी, अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर की तरफ, ठीक है। अब जा रही हैं मेरी दोस्तें अपने घर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह नए ब्लॉग के साथ।